अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज सेम फाइनेंशियल अरिथमेटिक, बट पिछले लेक्चर में हमने किया था प्रॉपर्टी टैक्स, बट आज क्या करेंगे हम, आज करेंगे जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, सेलिंग में जो हमारे काम आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मतलब के बता दूं कि जीएसटी फाइन करने का, टोटल जीएसटी मतलब अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं और आपको जीएसटी देनी चाहिए तो कितने अमाउंट में कितना देना चाहिए वो हमें पता नहीं होता, बट द थिंग आपको जहन में रखनी चाहिए जब आप जीएसटी फाइंड करते हैं, ये पहले बस फॉर्मूला देखें, ये टोटल जीएसटी है एंड आइटम कॉस्ट है, आइटम कॉस्ट कोई भी है, आप जब एग्जांपल करते करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। रेट ऑफ जीएसटी, अब जो रेट ऑफ जीएसटी है जो परसेंटेज में मिली होती है ना, वो 2014 से हमारी कंट्री में रेट ऑफ जो जीएसटी है दैट इज 17%, 17% मतलब 0.17 0.17 रुपीज देखें पर 100। देखें ये मिल गया, अब आइटम कॉस्ट, रेट ऑफ जीएसटी एंड टोटल जीएसटी मिल गई है। ये टोटल जीएसटी फाइंड करने के लिए है, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है, टोटल जीएसटी के हिसाब से। अब देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज आरएस 2500 रुपीज, द सेलर चार्जेस 17% जीएसटी ऑन द कॉस्ट, फाइंड जीएसटी लेवी। लेविड जिसको हम कहते हैं, लेविड का मतलब क्या है, फाइन जीएसटी तो है बस मतलब कॉमन बात है, मैं लेविड आपको कह दूं, सिंधी का वर्ड है ढाल देना ना, ढाल दिया ना, ठीक है, जैसे पांच चौदह सो एड तरीके से मैं खुद सिंधी हूँ, सॉरी सराय की सिंधी। सो लेविड जीएसटी, जीएसटी टोटल जो फाइन करनी है हमने, ठीक है, आइटम कॉस्ट को जीएसटी ना फाइन जीएसटी लेविड, टोटल जीएसटी जो है वो फाइन करनी है यहाँ पे हमें। एक तो आइटम कॉस्ट मिला हुआ है, पेयर ऑफ शूज उसकी कॉस्ट कितनी है, आइटम कॉस्ट कितना है 2500 रुपीज है, तो सेलर चार्जेस 17% वहां पे बता रहा है, अगर ना बताए ना और आपको कहे कि बस टोटल फाइन जीएसटी फाइन करें तो ये अंडरस्टूड है, अगर ये चार्जेस ना भी करे तो इससे लिए जाएंगे 17% जीएसटी ली जाएगी, रेट लिया जाएगा, और वो बता रहे हैं अगर ना भी बताए तो आपने 17% रखने हैं यहां पे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अब टोटल जीएसटी जो है, टोटल मैं जीएसटी अगर लिख दूं यहां पे, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट कितना है हमारे पास 2500 रुपीज है इनटू, और जो रेट ऑफ जीएसटी है मैं इसको नहीं देखता, बस छोड़ दें, रेट ऑफ जीएसटी वैसे ही 2014 से हमारे पास तय किया हुआ है कि 17% है, वो खुद बता रहे, अगर ये कम नीचे बताता तो अलग बात थी, वो सेम ही बता रहे हैं तो रखना 17 ही था, और ये भी 17 ही कह रहा है तो 17% हम रख दें। देखिए 25 ये 17/100 लिख सकता हूं इसको ना, तो ये कैंसिल हो गया दो, तो 17/25 जो बनते हैं वो दैट इज 425 रुपीज, 425 रुपीज। अब इस बंदे को जो सेलर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही तय करती है टैक्सेस, तो गवर्नमेंट ही तय करती है ना, अब कोई सेलर बिजनेसमैन है मिसाल के तौर पे, ये बाटा का शूज है मिसाल के तौर, देखिए वो कोई बंदा आया कोई बाहर से और ले रहा है इनसे शूज के 2500 रुपए के शूज, ये उनको दे रहा है, मगर क्या है कि उसको जो रेट पड़ रही है ना, कि जो हमारे पास जीएसटी है वो 425 पड़ रही है। अब जो मिसाल के तौर पे जो जीएसटी जो शॉपकीपर है वो अगर देगा गवर्नमेंट को, तो इट मींस वो लेगा किससे, परचेजर से, तो टोटल कॉस्ट जो शूज की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये टोटल कॉस्ट शूज की नहीं है, ये शूज की है समझे, टोटल कॉस्ट नहीं है, मैं यहां पे ये लिखा, देखें टोटल आइटम कॉस्ट में लिखा है ना, टोटल आइटम कॉस्ट जीएसटी प्लस आइटम कॉस्ट, ये जो 2500 थी ना टोटल कॉस्ट जो थी, ये आइटम कॉस्ट थी, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, जो परचेजर है, जो परचेज जो कॉस्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, जो ले रहा है ना उसके साथ वो जीएसटी का भी भर रहा है, वो उसके साथ वो जीएसटी का भी भर रहा है, तो जीएसटी जो उसकी निकली है वो ये है, शॉपकीपर उसको 2500 में दे रहा है, बट ये कौन भरेगा, ये भी इसके साथ ही आएंगे, अगर जीएसटी 425 है और प्लस आइटम कॉस्ट कितना है 2500 रुपीज है, तो कितना होता है हमारे पास 2925, ये हमारे पास टोटल आइटम कॉस्ट है, टोटल आइटम कॉस्ट ये हमारे पास आई, ठीक है। तो अब देखिए इसी फॉर्मूला से आप लोग बहुत सारे निकाल भी सकते हैं, देखिए अगर आइटम कॉस्ट मिला हुआ है तो आप जीएसटी और आइटम टोटल आइटम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, अगर जीएसटी फाइंड करनी है तो आइटम कॉस्ट और आपको ये मिला हुआ है, और यहां से देखें टोटल जीएसटी कॉस्ट है, आइटम कॉस्ट और जीएसटी रेट मिला हुआ है, तो आप डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं टोटल जीएसटी की, जब यहां पे ऐसी बात आ जाए,
जब मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा ना आपके, माशाल्लाह इंशाल्लाह आपका आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। और हाँ मैं आपको एक सजेस्ट कर दूं, आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड देयर आर सेपरेट ग्रुप्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एज वेल। ओके, गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों का नंबर कहीं भी आउट नहीं होगा इंशाल्लाह। वी ट्राई आवर बेस्ट तो जिसको हम कहते हैं कि छुपाने की कोशिश करते हैं आप लोगों का नंबर, माशाल्लाह कहीं पे नहीं जाता इतना, ठीक है। सो उस हिसाब से, और एक हमारा फेसबुक पेज भी है तो वो भी आप लाइक करते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज की। देखिए ये प्रॉब्लम हो गया इस प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब आते हैं कुछ और कंडीशंस पे जो कि हमने समझने हैं। देखें यहाँ पे अब मैं आप लोगों को फार्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ, जो कि मतलब कि ज्यादातर हमारे सिक्स या सेवन्थ क्लास में जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है कि डिसाइड कर पाना कि या क्या फार्मूला होगा क्या फार्मूला नहीं होगा, या हाई लेवल या मतलब कि जो मैट्रिक तक पढ़ाने वाले होते हैं तो वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ा रहे होते हैं। देखें मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझना आप लोगों ने, देखें और समझाना मेरा काम। देखें ये कह रहे हैं कि टोटल आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू जीएसटी प्लस आइटम कॉस्ट और टोटल जीएसटी इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट इनटू रेट। ये मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं अभी इससे पहले इसी लेक्चर में बताए हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है ये जो फाइंड करने का टोटल आइटम कॉस्ट, ये ऐसे नहीं, इसके पीछे एक टर्मिनोलॉजी है। आइटम कॉस्ट अगर हमें मिसाल के तौर पर फाइंड करना हो, टोटल जीएसटी और आइटम कॉस्ट, टोटल आइटम कॉस्ट हमें मिले हुए हों तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से। देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर्मूला ट्राइल करवा रहा हूँ, ये भी आप लोग याद रखें कि आइटम कॉस्ट का मतलब आइटम कॉस्ट अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, फिर मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा इसका। देखिए लेट मैं लेता हूं आइटम कॉस्ट जो हमारे पास है कोई भी है, हमें पता नहीं है आइटम कॉस्ट कोई भी है हमें पता नहीं है कितना है, उसको हम ले रहे हैं वाई, ठीक है। अब देखिए अगर आइटम कॉस्ट वाई है, आइटम कॉस्ट को मैंने क्या लिया वाई लिया, और देखें अब अगर मैंने आइटम कॉस्ट वाई लिया, यहां दूसरा क्या जीएसटी है और ये भी है, हाँ अब वाई इसको मैंने लिया और जीएसटी भी मुझे चाहिए। अब जीएसटी का आप लोगों को पता है टोटल जीएसटी वो फॉर्मूला क्या है, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट इनटू रेट, आइटम कॉस्ट इनटू रेट, इसको आप ना ऐसे कर दें, ठीक है ये हमने लिया। अब देखें अगर मैं टोटल जीएसटी, क्योंकि हमने फार्मूला ये भी देखना है ना, तो देखें ये टोटल जीएसटी इज इक्वल टू, अब आइटम कॉस्ट तो हमारे पास वाई है ही है, ये वाई है ना हमारे पास, ठीक है, ये इंटू क्या करते हैं रेट, हमारे पास क्या है 0.17, मतलब 70% रेट यही है ना हमारा जो बताया मैंने 2014 से हमारा ये मतलब कि डिसाइडेड है गवर्नमेंट का कि 17% ही होगा। तो जो जीएसटी मिली हमें, टोटल जीएसटी जो मिली वो कितनी मिली 0.17 वाई, ये हमें मिली क्या जीएसटी, ठीक है ये जीएसटी मिल चुकी, मतलब ये वाली जीएसटी। अब देखें अगर मैं लिखूं, अगर ये हमें टोटल जीएसटी भी मिल गई और आइटम कॉस्ट ये और रेट ये है, अब अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, अगर जीएसटी मुझे मिली ये वाली, देखिए पहले आइटम कॉस्ट है, आइटम कॉस्ट कितने हमारे पास, टोटल आइटम कॉस्ट पता नहीं है हमें, हाँ अब टोटल आइटम कॉस्ट देखते जाइएगा इज इक्वल टोटल आइटम कॉस्ट, ठीक है इज इक्वल टू ये जीएसटी है ये प्लस आइटम कॉस्ट है, हाँ आइटम कॉस्ट है। अगर इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके रखूं कि आइटम कॉस्ट को मैं इधर ही रखूं ये जीएसटी इधर ले, मतलब आइटम कॉस्ट ही फाइंड करनी है ना मैंने, ये आइटम कॉस्ट इसको अगर मैं ऐसे लिखूं आइटम कॉस्ट को, अगर मिसाल के तौर पर देखें आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू मैं लिखूं टोटल जीएसटी, जीएसटी ये माइनस सॉरी टोटल कॉस्ट एंड माइनस जीएसटी, तो मैं लिख सकता हूं, हाँ इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब यहां भी आप सोचें अगर मैं टोटल आइटम कॉस्ट की, ये टोटल आइटम कॉस्ट हमें मिला नहीं हो ना, टोटल कॉस्ट नहीं मिली हुई, ये आइटम कॉस्ट है, आइटम कॉस्ट जो होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है वो मैंने आप लोगों को बताया है माइनस जीएसटी, अब मैं क्या करूं। अब देखें यहां पे आप लोग भी दिमाग लड़ाएं और मुझे भी मौका दें, अगर आप लोग दिमाग लड़ाते हो तो मुझे मौका मिलता है आपको फर्दर समझाने का। देखें ये आइटम कॉस्ट है, आइटम कॉस्ट का हमने कुछ ना कुछ सपोज किया था दैट वाज वाई, एंड देन ये जीएसटी है और जीएसटी यहां पे हमने फाइंड की है ये वाली,
तो देखिए अगर मैं आइटम कॉस्ट जो सपोज किया था मैं वही रखता हूं इज इक्वल टू ये टोटल आइटम कॉस्ट है, टोटल ये आइटम कॉस्ट है, टोटल मतलब कॉस्ट है, ये माइनस जीएसटी क्या थी माइनस 0.17 y, ठीक है। तो देखिए ये y है ये माइनस क्या है, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट ऐसे में फाइन करता हूं, फर्स्ट सपोज ये y प्लस हो जाएगा ये 0.17 ये y हो जाएगा इज इक्वल टू ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल आइटम कॉस्ट ये याद रखना है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे टोटल आइटम कॉस्ट। अब यहां से अगर मैं कुछ कॉमन निकालूं, अगर मैं कॉमन निकालूं ये y निकाल सकता हूं 1 + 0.17 इज इक्वल टू टोटल आइटम ये कॉस्ट। अब देखें हमने ध्यान में क्या रखना है, आइटम कॉस्ट सिर्फ, ये टोटल आइटम कॉस्ट है, सिर्फ आइटम कॉस्ट हमने ध्यान में रखना है कि वो ढूंढना है यहां से कहीं से भी करके ढूंढना है। अब आइटम कॉस्ट यहां पे देखना कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, दैट इज वाई, वाई को क्योंकि हमने सपोज लिया था आइटम कॉस्ट, मतलब वाई सिर्फ यहां पे रखना है और सब कुछ इधर लेके जाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा वाई इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1 + 0.17, तो मतलब 1.17 ये अगर इधर जाए तो ये टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आइटम, ये टोटल आइटम कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, तो ये 1.17 ये हमारे पास बनेगा आइटम कॉस्ट, वाई के आइटम कॉस्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं देखें। अब आइटम कॉस्ट क्या है, आइटम कॉस्ट जस्ट आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू ये टोटल कॉस्ट अपॉन 1.17। यहीं पे आप अगर मिसाल के तौर पे किसी बुक में ये फार्मूला लिखा हुआ है ड्राइव नहीं किया हुआ तो टीचर्स हजरात क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, मतलब टीचर्स को नॉलेज होती है, बड़ी कंसेप्ट ही ऐसा है कि जहां पे हम थोड़ा बहुत ना हिल से जाते हैं जब हमें इकोनॉमिक्स का पता नहीं होता, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स ही तो है ना। अब यहां पे जो है ना वो लिख के कहते हैं कि 1.17 है, वो लोग कहते नहीं है, जब हमारे पास जो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो जीएसटी रेट है दैट इज 17% जिसका 0.17 है, तो 0.17 यहां पे लगा दे इसको कट करके, नहीं यही फार्मूला है, जैसे ये देखे मैंने डिराइव किया है आप लोगों के लिए, ये फार्मूला आप भी समझ लें, टेस्ट के लिए आप लोग भले इस फार्मूले को रट्टा लगा दें बट अगर आपको टीचिंग करानी है तो ये आपने ड्राइव करवाना है, जरूरी ड्राइव करवाना है, ये समझ आ गई। अब करते इस पे क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सिंपल आएंगे, देखे ना आइटम टोटल कॉस्ट मिला हुआ होगा और ये भी आपके पास मिला हुआ, टोटल कॉस्ट मिला है तो आइटम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं आराम से। यहां देखें ये प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने तो आते हैं बट अंडरस्टैंड करना नहीं आता, आप लोगों को आता है बट मैं नहीं कह सकता कि नहीं आता, बट मतलब हम में से ही ज्यादातर प्रॉब्लम, हम में से जिसमें मैं भी इंक्लूड हूं, ठीक है, हम में से जो है ज्यादातर हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर तो लेते हैं बट हम कॉन्फिडेंशियल भी ये मतलब बोल देते हैं कि ये जो है ना क्वेश्चन सही है। बट देखें टर्म मैंने कहा था वर्ड प्रॉब्लम्स में एक एक टर्म में कहीं ना कहीं कंसेप्ट छुपा हुआ होता है। देखें क्या कह रहा है कि अब वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर आर 15,912 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एक्सक्लूडिंग जीएसटी व्हेन रेट ऑफ जीएसटी इन इज 17%। देखें अब कॉस्ट ऑफ जीएसटी, अब क्या करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट फाइंड करनी है ना, कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। देखें एक फार्मूला क्या हमारे पास, जो हमारे पास वो टोटल जीएसटी वाला था, ठीक है, टोटल जीएसटी जो हमारे पास थी इज इक्वल टू ये आइटम कॉस्ट थी, आइटम कॉस्ट ये क्या करते थे हम, आइटम कॉस्ट इनटू ये रेट लगते थे, है ना, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे पास के आइटम कॉस्ट जो अभी मैंने ड्राइव करवाया है, ये आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू क्या कर रहा है, टोटल कॉस्ट अपॉन 1.17। हां यहां पे जो रेट लगेगा वो आपका 17% मतलब 0.17 ना लगेगा, आपका यहां पे 0.17 लगेगा, यहां पे ये है फाइंड दोनों। अगर मैं इससे अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर ऊपर वाले फार्मूले को मैं ऐसे लिखूं टोटल जीएसटी अपॉन रेट, सॉरी आइटम कॉस्ट मतलब रेट, ये रेट इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको तो मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि
टोटल जीएसटी जो है हमें मतलब के रेट मिला हुआ है और जीएसटी भी फाइन कर सकते हैं, बट द थिंग दैट इज के फॉर्मूला कौन सा लगा है, पता कैसे चले, क्योंकि जीएसटी तो है यहाँ पे भी है, ये मतलब यहाँ पे भी है, बात सुने, यहाँ पे एक टर्म यूज किए गए, दो अल्फाज यूज किए गए हैं, मतलब एक यूज किया गया है जो कि ऐसे टू वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं जो आपको समझ के सॉल्व करने होते हैं। देखें इनको मैं मिटा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं इसको। जब बात करें अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर आरएस 15,912 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की, जब बात इंक्लूसिव की करें, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की, जब इंक्लूसिव की सिर्फ बात आए ना, देन बगैर धड़क के आप लोग फार्मूला ये लगा दें, जब इंक्लूसिव की बात आ जाए, और जब बात आए, अगर यहां पे ये वर्ड होता एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव की बात आती, अगर ये वर्ड यूज किया जाता तो हम फार्मूला ये लगाते, ये समझना है आप लोगों ने, तो हम फार्मूला कौन सा लगाते, ये फार्मूला लगाते जब एक्सक्लूसिव की बात आए, जब आई इंक्लूसिव की बात तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये टर्म आप लोगों ने समझने हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। तो जब आप इंक्लूसिव की बात आई है तो हम आइटम कोस्ट वाला ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब समझे बात, इसको ना समझे, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड है मतलब तो हमारा वन इंक्लूडेड है यहाँ पे, मतलब अगर इंक्लूड, इंक्लूड का आप ऐसा समझ लें कि एक्स्ट्रा है, इंक्लूडेड है मतलब एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा के साथ हमारे पास 0.1 है ना, 0.17 है जो जीएसटी हमारे पास है, 0.17 है रेट, जीएसटी रेट है, बट आप समझ लें अगर वो इंक्लूसिव है, इंक्लूडेड है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 इंक्लूडेड है, अदरवाइज 0.17 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0. नहीं है, 1.17 है, मतलब ये भी इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड इंक्लूडेड मिला दें और आप इसको कंसेप्ट को जहन में रख के सॉल्व किया करें। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें आइटम कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, आइटम कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, और टोटल कॉस्ट जो हमारी मिली हुई है दैट इज 15,912 अपॉन ये क्या हमारे पास 1.17 है। व्हेन यू सॉल्व दिस, देखिए 15,912 अपॉन 1.17, अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपको मिलते ये आइटम कॉस्ट जो हमारे पास है, आइटम कॉस्ट कितनी हमारे पास 13,600, ये आइटम कॉस्ट मिली जब हमारे पास टोटल जो उसकी प्राइस थी 15,912 प्राइस थी, और उसको इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब जीएसटी निकाल के उसको कितने की पड़ रही थी ये। अब इसके ऊपर जाके यहां तक पहुंचने के लिए जो इससे ऊपर और यहां तक जो बीच का गैप था ना, ये उसकी जीएसटी लग गई थी, ये उसकी जीएसटी लग गई थी, कितनी जीएसटी है, इंक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड करके टोटल ये बने थे, सही बात। प्रॉब्लम नंबर 3 देखें, मिस्टर अदनान पेड आरएस 595 एज जीएसटी एट रेट ऑफ 17% ऑन द परचेज ऑफ अ शर्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये वर्ड देखें मैंने अभी भी समझाया था, क्योंकि अदनान जो है एज ए जीएसटी जो पेड कर रहा है 30% जीएसटी है उसकी, ठीक है वो रकम है, बट आइटम कॉस्ट उसको जो टोटल आइटम कॉस्ट है, जो आइटम कॉस्ट उसकी, आइटम कॉस्ट इसको हम कहते हैं, ठीक है आइटम कॉस्ट उसको पता नहीं है, बट जीएसटी ये है, टोटल जीएसटी मिली हुई है, आइटम कॉस्ट जो है उसको पता नहीं है, और जो रेट है जीएसटी का वो ये हमारे पास है। अब देखें टोटल जीएसटी भी मिली हुई है, आइटम कॉस्ट भी नहीं मिला हुआ, और हमें रेट फाइंड मतलब रेट भी मिला हुआ है, तो वो फाइंड करना है, तो आप खुद सोचे फार्मूला क्या होगा। तो जीएसटी अगर मिली हुई है तो मतलब टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट, आइटम कॉस्ट इनटू ये रेट। पर ये फार्मूला क्यों लगाया मैंने, वो वाला क्यों नहीं लगाया मैंने, देखें यहां पे बात आई थी इंक्लूसिव की, वहां पे बात आई थी एक्सक्लूसिव की, सॉरी यहां पे बात आई है एक्सक्लूसिव की, वहां पे बात आई थी इंक्लूसिव की। जब इंक्लूसिव की बात आ जाए तो हम वो फार्मूला लगाते हैं जो पहले लगाया मैंने, और जब एक्सक्लूसिव की बात आ जाए तो ये फार्मूला लगाते हैं। देखें टोटल आइटम जो टोटल जीएसटी है वो कितनी हमारे पास 595 इज इक्वल टू जो आइटम कॉस्ट है वो हमें करनी है फाइंड, ये इनटू जो रेट मिला हुआ है दैट इज 17%, तो मतलब 0.17,
क्योंकि 17% का मतलब है 17/100, तो ये 0.17 होता है, ये समझ लें। तो ये आएगा नीचे इसके यहां पे, तो 595/0.17 अगर मैं करूं तो आइटम कोस्ट जो हमारे पास मिलता है दैट इज 3500 आइटम कोस्ट। अब मतलब आइटम की कोस्ट जो थी वो 3500 रुपीज थी और 17% के हिसाब से उसके पास जो जीएसटी आई थी ये आई थी, बट कोस्ट पता नहीं थी। अब कोस्ट उसको पता चल चुकी, अब शॉप पे जा रहा है कोई शॉप वाला उसको कह रहा है कि भाई बात सुनो, जीएसटी हमारे पास 17% है और टोटल जीएसटी बन भी इतनी रही है, टोटल जीएसटी बन भी इतनी रही है। अब हमें ये पता नहीं है, शॉपकीपर हमें बता नहीं गया है कि इसकी प्राइस क्या है। कभी कभी होता है ना ऐसा, शॉपकीपर के पास या किसी भी मतलब के ना कपड़े वाले दुकान के पास, मिसाल के तौर पर शूज वाले दुकान के पास हम चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर वो हमें क्या कहते हैं, यही बात सिंपल कहता है कि हमारे पास भाई 17% हमारे पास जीएसटी है और हमारे पास जो मतलब जीएसटी का जो इसका रेट, इसी का रेट जो हमारे पास है वो 600 है, तो टोटल कॉस्ट हमें यार पता नहीं है, सॉरी हाँ टोटल कॉस्ट जो आइटम की कॉस्ट है वो हमें पता नहीं है। तो आइटम की कॉस्ट ये बनेगी, ये आइटम की कॉस्ट बनेगी, बट टोटल आइटम कॉस्ट कब बनेगी, जब हम इसको और जीएसटी को हम एड करते हैं तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये 1500 एंड ये कितना बनेगा हमारे पास, मतलब के 5 रुपए कम 4100 से, ठीक है ना, टोटल आइटम कॉस्ट ऐसे आएगी, बट आइटम कॉस्ट ये बनी। ओके फ्रेंड्स,